मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। देखते हैं यहाँ क्या है। बिंगो, मैं इसमें कमाल करने वाली हूँ। हाँ, क्लास में जाने का ये सही रास्ता है। मैंने क्या मिस कर दिया? काफी बढ़िया शूज है, ये लाखों में से एक है। दुनिया में ऐसे एक ही बने हैं। वाह, हाय। ओह, क्या तुम्हें जवाब चाहिए? इसमें सब है। बढ़िया चीज है ना? हाँ, मैं लकी हूँ। मैं रास्ते में हूँ मिस, मुझे ये मिले हैं। नहीं तो ये कैसे रहेंगे? नहीं, ओ ठीक है, बहुत बेकार है ये। ये ओ बिल्कुल नहीं, ये काफी है। नहीं, मुझे एक और मौका दो। मुझे कुछ सोचना होगा और मैं जानता हूँ क्या करना है। प्लेन शूज, कोई परेशानी की बात नहीं है। प्यारा सा स्कार्फ सब ठीक कर देगा। इसी के साइज का ये काटना है और गोल्ड बॉटम से बेहतर और क्या होगा। इससे काफी अलग लगता है, एकदम परफेक्ट। मैं बोर हो रही हूँ, ये पसंद आया। पसंद? मुझे इससे प्यार हो गया। और ये मेरी साइज के हैं। अरे वाह, मैंने कर दिखाया। ये शूज सबसे प्यारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हें बहुत बड़ी टिप मिलनी चाहिए। लो सारे ले लो, मैं बहुत लकी हूँ। अब मैं बहामास के लिए निकल रहा हूँ। वाह, कितनी प्यारी जगह है। और ये सब शूज तो देखो जैसे कैंडी हो। अब ये मेरे हैं। ये दे दो। ओह, इतने काफी है। ओह, एक डॉलर, एक स्क्रैप भी इसमें नहीं आएगी। सच में मेरे पास तो बस यही है, मुझे वो चाहिए। देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास लास्ट सीजन से ये पड़े हुए हैं। ओह, मुझे ये ट्राई करने चाहिए, उम्मीद है फिट हो जाए। देखते हैं, अभी तक तो ये ठीक लग रहे हैं। पर समझ नहीं आ रहे, इसमें कुछ बदलाव जरूरी है। ऐसे समय में हमें खुद ही कुछ करना पड़ता है। अगर आपको स्क्रैपी सैंडल्स चाहिए तो वो खुद ही बनाने पड़ेंगे। बहुत क्यूट है। वाह, मैं ही ले लेती हूँ। ये फिर मिलेंगे। काश मैं यहाँ जा पाती, पर मेरे पास कपड़े नहीं है। खैर चलो आगे बढ़े। ये क्या चीज है? एक शर्ट, एक ड्रेस या फालतू की चीज है? खैर छोड़ो, कुछ और है। हाँ, ये क्या है? वाह, हाँ, फिर आखिरकार, शुक्रिया। क्या तुम असली फेरी हो? हे, ये कैसा मजाक है? नहीं, मेरी गलती है, माफ कर दो। तुम्हें ये लुक पसंद आएगी। वो ये तो कमाल है। पता नहीं, सही नहीं लग रही। ये ट्राई करो। ये हुई ना बात, मुझे पसंद आई। शांति मिली, पार्टी में मजे करो। कमाल करने के लिए तैयार हो जाओ, ये जगह जबरदस्त है। वाह, कितनी सुंदर जगह है। ओह हे, क्या ये मेरी ड्रेस है? शर्म की बात है। ओह नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। मैं इसे थोड़ा अलग बना देती हूँ। ये स्लिट काम आएगी, ये बिल्कुल अलग कलर की है। हेलो, फैब्रिक दो प्लीज। अब देखना मैं इसका क्या करती हूँ। ऐसा किसी ने नहीं पहना होगा, ये तो पक्की बात है। हाँ, बस कुछ बार और टक करना है और हो गया। ओह, मैं वापस आ गई। वाह, कितनी सुंदर आउटफिट है और कलर बहुत कूल है। हाँ, मैं जानती थी तुम यही कहोगी। चलो डांस करें। मैं आ रहा हूँ। मुझे क्लास में जाना चाहिए, पर आखिरी बार अपने आउटफिट चेक कर लेती हूँ। अच्छी दिखनी चाहिए, परफेक्ट है हमेशा की तरह। रुको, ओ नहीं, मेरे शू स्ट्रैप्स बहुत छोटे हैं। मैंने ये पहले क्यों नहीं देखा? बस ये कोई और न देख ले। हे भगवान, तुमने देखा तो
मैं ऐसे स्कूल कैसे आ गई? मैं तो शर्म से मर जाती। बस करो प्लीज, बहुत बुरा होगा, मैं क्या करूं? रुको, मैं समझ गई, ये पेन हर चीज का हल है। जल्दी करना होगा, बस मेरे टो पर इस तरह लाइन बना देते हैं, ये स्ट्रैप से मैच होना चाहिए। ऐसा ही दूसरे साइड पर भी कर देंगे, काफी बेहतर लग रहा है। ये पेन मेरे ब्यूटी एसेंशियल में होना चाहिए, मैं क्लास के लिए लेट नहीं होना चाहती। वो शानदार है, एकदम कलरफुल, और हो गया लाजवाब। मुझे सिलाई बुनाई बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी अपनी पोती के साथ समय बिताने का अच्छा मौका है। हे भगवान, ये क्या है? आई हो गया, शानदार। डार्लिंग, ओ डार्लिंग, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया। हाँ, ओह, आपने मेरे लिए स्वेटर बुना, शुक्रिया। ये लो। वाह, ये काफी भारी है। है, तुम्हें कैसा लगा? शुक्रिया, ये बढ़िया है। अगर मैं स्कूल में पहनूंगी तो मुझ पर सब हंसेंगे, मेरी बहुत बेइज्जती होगी। देखो तुम कैसे ढकी हुई हो, बू, बुद्धू कहीं की। अरे नहीं, मैं नहीं चाहती ऐसा हो। हे ग्रैंडमा, ओह वो सो गई। अरे नहीं, अब मैं स्वेटर का क्या करूं? एक सेकंड रुको, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, एक क्लोथिंग हैक करते हैं, ये स्वेटर मेरे काम जरूर आएगा। मैं इसे एक टर्टल नेक से टॉप बना दूंगी, ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है। और अब इन स्लीव्स का कुछ करना होगा। हे, मैं इसे अपनी कमर पर बेल्ट की तरह बांध लूंगी, एक स्क्वायर नॉट बनाकर, और लूज एंड्स को इस तरह टक कर लेंगे ताकि ये दिखे नहीं। और ये हो गया, एक ओवरसाइज स्वेटर से ये एक स्वेटर ड्रेस बन गई। हाँ, ग्रैंडमा कितनी प्यारी लग रही है। बस वो उठ ना जाए, उन्हें झपकी लेनी है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अब देखते हैं मुझ पर कौन हंसता है। वाह, कितनी कमाल की ड्रेस है, शुक्रिया, ये मेरी ग्रैंडमा ने बनाई है। वो एक मजेदार पार्टी हो जाए। हे सुनो, मैं तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट लाया। हे भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया। You're welcome. Snack time. मुझे बर्थडे प्रेजेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, वो मेरे फेवरेट है। देखते हैं इसमें क्या है। ओह, एक्साइटिंग। अरे वाह, ये क्या है? उससे मतलब कोई स्टाइल का लेना देना ही नहीं है। हे, तुम्हें पसंद आया? ये स्कर्ट है ना, पर ये बहुत लंबी है। ये पैंट्स है, मुझे रंग अच्छा लगा। अरे यार, ये बहुत भयानक है। रुको, कोई बात नहीं, हम ये ठीक कर सकते हैं। ओह ठीक है, ट्राई करते हैं। ठीक है, हमें इसका कुछ तो करना होगा। ये रही जायंट बैगी पैंट्स, अब हमें अगले स्टेप के लिए कैंची की जरूरत होगी। मैं इसे यहाँ से काट दूंगी। बढ़िया, अब हम इसे निकालेंगे। अब ये पैंट्स नहीं रही, मैं इसे गले से पहनूंगी और ये स्लीव बन गई। लो, अब वो भयानक सी पैंट्स एक शर्ट बन गई। हे, मैं आ गई। वो शानदार, मुझे नहीं पता था ये पैंट्स शर्ट है। ये लड़के भी ना। बहुत मजेदार ट्रिप होगी, मैं टैन होने का इंतजार नहीं कर सकती, और मैंने टिकट फर्स्ट क्लास मिली है। चलो फिर मिलते हैं, मैं पैकिंग पूरी कर लूं। मैं सब ले लेती हूँ। ओह, सन हैट भी। मैं ये नहीं ले जा सकती, बिल्कुल नहीं, मुझे असल में बीची सैंडल्स चाहिए। मुझे पता है वो यही कहीं थे। एक माउस, ये मेरे सैंडल्स खराब कर रहा है, ये मुझे वापस दो चूहे। मैंने कहा इसे दो। जाओ निकलो यहाँ से। शुक्रिया, वो गया। हे, एक सेकंड रुको, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास ये पुराने गलोशेस हैं,
मैं इन्हें ऊपर से काट दूंगी। और ये हो गया, ये निकल आए। और हमें अब एक और कट यहाँ लगाना है। और ये हो गया, वो कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब हमारे पास सैंडल्स का एक नया पेयर है, परफेक्ट। अब आकर दिखाओ पुट्टू माउस, और चलो बीच पर चले। आज लॉन्ड्री डे है। शुक्र है धोने के लिए काफी कपड़े नहीं है। ओ, मेरी जीन्स, मुझे बहुत पसंद है। ये सब में से मेरी मन पसंद है। हो गया, बस थोड़े से ही कपड़े हैं। तो चलो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं वॉच पर टाइम लगा देती हूँ और यहाँ रहकर इंतजार करते हैं। वाह, मैं कितना कुछ सीख रही हूँ। हाँ, बस ये कपड़े धुलने ही वाले हैं। ओह, हो गया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, ये रही मेरी स्कर्ट। क्या, इसे क्या हो गया? ये इतनी छोटी कैसे हो गई? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी फेवरेट जीन्स के साथ ऐसा ना हो। लगता है ये ठीक है, मुझे इन्हें ट्राई कर लेना चाहिए। चलो भी, फिट हो जाओ। इन्हें खींचना होगा। कोई काम का नहीं, ये श्रिंक भी हो गई है। मेरी फेवरेट जीन्स पूरी खराब हो गई। ये कैसे हो सकता है? मेरा पूरा दिन खराब हो गया। इन्होंने मुझे धोखा दिया है। मुझे तो बस इनसे प्यार था। रुको, शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं उल्टा पहनती हूँ। इन्हें दोनों लातों पर चढ़ाना होगा और फिर मैं इन्हें ऊपर ले आऊंगी। हाँ, ये काम किया। मैंने पैंट्स के साथ सही खेल खेला, तो स्कर्ट, मुझे तुम्हारी और जरूरत नहीं है। हाँ, मेरी मनपसंद जीन्स बच गई। और ये बिल्कुल नई जैसी लग रही है। अब मैं अपना दिन शुरू कर सकती हूँ। लगता है यही सही घर है। पक्का मेरी डिलीवरी होगी। ये रही आपकी डिलीवरी मिस। हाँ, मुझे पैकेजेस लेना बहुत पसंद है। और ये वाला तो ऑस्ट्रेलिया से आया है। बस मैं इसे खोल लूं। चलो भिट्टे, खुल भी जाओ। ये किसी काम का नहीं है। ओह बिल्कुल, मैं कैंची का इस्तेमाल करूंगी। हाँ चलो, इससे टेप कट रही है। आखिरकार मैं ये बॉक्स खोल सकती हूँ। ओह नहीं, मैंने तो अपना कोट भी काट लिया और ये पूरा खराब हो गया। कितनी बड़ी गलती है। तो शायद मैं इसका कुछ कर पाऊँ। हाँ, इसे पहन कर देखते हैं कि हुआ क्या है। अब हमें कैंची चाहिए होगी। जहाँ से ये कटा हुआ है, हम इसे वहीं से काटेंगे। लो, मैंने इसे पूरा काट दिया। अब मैं नीचे के हिस्से को स्कर्ट की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ। यहाँ पर बटन लग जाएंगे। तो चलो, अब मेरे पास एक छोटी जैकेट और स्कर्ट है। वाह, कितना शानदार लग रहा है। मुझे एक फोटो लेनी चाहिए। इन सेल्फीज पर बहुत सारे लाइक्स आएंगे। हाँ, मैं ये फोटो भेजूंगी भी। ओह, काश उसे पसंद आए। उसे पसंद आए, उसे बहुत कूल लगी। हाँ, हे भगवान, मुझे नई लुक चाहिए। इसे उतारना होगा। मुझे ये ग्लासेस भी नहीं चाहिए, ये मुझे दे दो। और मुझे इस शर्ट का कुछ करना होगा। हे मिंडी, ये मुझे दे दो। लिली, आप पार्टी शुरू कर सकते हैं। ये हाँ अच्छे दिखेंगे। सबको वाटरमेलन पसंद है और इससे पार्टी में ट्रॉपिकल फील आएगी। चलो कर्टन्स खोल दे। लगता है सब तैयार है और अच्छा लग रहा है। जरा रुको, मैं कुछ भूल गई। मेरा वाटरमेलन, ये बहुत खूबसूरत है। मैं इसे लिविंग रूम तक ले जाती हूँ। वो दुनिया इतनी जालिम क्यों है?
क्या करूंगी? ओह समझ गई। स्टोर तो बंद है पर मुझे वाटरमेलन चाहिए। मैं खुद ढूंढ लेती हूँ। ये ठीक नहीं लग रहा। शायद मुझे यहाँ कुछ मिल जाए। शायद ये आइडिया अच्छा नहीं था। आखिरकार स्वादिष्ट वाटरमेलन। मेरी टी शर्ट तो देखो, ये भी इतना जरूरी नहीं है। रुको, इसे उठाने के लिए मेरे पास बैग नहीं है, पर शायद मुझे इसकी जरूरत ही ना पड़े। अगर टी शर्ट पे होल्स कर लिए जाएं, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी ये खराब तो हो ही चुकी है। हाँ ये चलेगा। इसे उतार कर उल्टा कर देते हैं। अब एक नॉट बांधेंगे, ये बिल्कुल काम करेगा। इसमें वाटरमेलन फिट आ जाएगा और मैं इसे घर ले जा सकती हूँ। मुझे इसी की तो जरूरत थी। चलो चलिए, हम इसको सही सलामत ले आए। अब मैं वाटरमेलन यहाँ रखती हूँ। ये तो काम आ गया। हे, क्या ये वाटरमेलन है? ओह, मुझे भी एक स्लाइस चाहिए। बहुत जूसी है। मजा आ गया। अब कचरा ले जाते हैं। ओह, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे बस पड़े रहना है। बदबू आ रही है। ओह नहीं, ये तो क्रिस है। वो मुझे ऐसे नहीं देख सकता। मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा। उसे भी यहीं बैठना था। तब तक यहाँ छिप जाती हूँ। चलो भी क्रिस, जाओ। ओह नहीं, वो इसी तरफ आ रहा है। अब हम क्या करें? बस एक ही चारा है। क्या, विश्वास नहीं होता, मैं आ रहा हूँ। आउच, अब मैं सच में कचरे जैसी लग रही हूँ। पर कम से कम शर्मिंदा तो नहीं हुई। नहीं, ये बहुत बुरा आइडिया था। चलो भी कुछ सोचो, मैं कुछ तो कर सकती हूँ। मैं कचरा ही इस्तेमाल कर लूँ? ऐसे टाइम में कुछ ऐसा ही करना पड़ता है। इतना भी बुरा नहीं है। क्या, ये कैसे हो सकता है? तुम ठीक तो हो ब्रो? हाँ, जाओ यहाँ से। रुको, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? लूना। हाय क्रिस, तुम ये क्या कर रही हो? बेघर लग रही हो। तुम बहुत बुरे हो। तुम एक लूजर हो। वो कितना बुरा है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मुझे गुस्सा आ रहा है। ओह हेलो, ये क्या? मुझे ड्रेस चाहिए इसके बदले। तुम पागल हो? Ew. मुझे लगा था ये अच्छी डील है। रुको, लगता है मैं समझ गई। इसमें से बाजू निकाल लेते हैं और नेक की तरफ से निकालेंगे। स्लीव्स को आगे की तरफ टाइट कर नेक पर बांध देंगे। क्यूट लग रहा है। ओह, मेरे बाल। ये हुई ना बात। क्या, विश्वास नहीं हो रहा, मैं अभी आ रहा हूँ। क्रिस, हे, वापस आओ। ओह हाय, कैसे हो? हे लूना, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। अरे वाह, तुमने ध्यान दिया। हे भगवान, कितना फनी है। ओह, कितना प्यारा मैसेज आया है। अरे नहीं, देखो क्रिस ने मुझे अभी डेट के लिए पूछा। क्या, जल रही हो? रुको। और ये देखो, क्रिस मुझे भी डेट पर ले जाना चाहता है। वो ये मेरे साथ कैसे कर सकता है? ये लड़के भी ना, कोई गलती लगी होगी। मैं जानती हूँ, वो तुम्हें डेट के लिए क्यों पूछेगा? क्रिस के साथ हम दोनों में से कोई एक ही जाएगा, समझी? ठीक है, और वो मैं ही रहूंगी। हाँ बिल्कुल, वो तो हम देख लेंगे। मैं क्रिस को मदहोश कर दूंगी। ये तो मैं भी कर सकती हूँ। वो लिपस्टिक मैं लगाने वाली थी। ओह शर्म करो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये इयररिंग्स बहुत पसंद हैं। मुझे तो वो वैसे भी पसंद नहीं थे। ये ज्यादा क्लासी है। वो तो तुम जो मर्जी समझो। मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। मैं भी। ये वाला, ये क्या कर रही हूँ? वैसे मैं वो क्यूट लग रहा था। ये जीन्स तो अच्छी ही दिखती है। वो मेरी है? बिल्कुल भी नहीं। छोड़ दो, मैंने उन्हें पहले देखा।
बस करो, रोक सकती हूँ तो रोक लो। ये तुमने क्या कर दिया? अब ये तुम रख लो। गुड लक। पर अब मैं क्या करूँ? मैं ये नहीं पहन सकती, लेकिन मुझे इसे थोड़ा और फाड़ना होगा। अब इसमें से अपने हाथ निकाल लेंगे और इसमें से अपना सर बिल्कुल इस तरह। इसे नीचे की तरफ खींचे। वाह, कमाल का लग रहा है। चलो चलिए, इतनी जल्दी नहीं। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मानना पड़ेगा, बढ़िया है। फिर मिलते हैं, मेरे रास्ते से हटो। क्रिस, ये किसके साथ है? Wow. Oh, goes. ये ट्विन्स है। चलो ये सब भूल जाओ, पहले तुम। मैं मिंडी का इंतजार कर रही हूँ। वो आ गई, बाद में बात करती हूँ। hey, तुम कैसी हो? तो चले। हाँ, मैं उठ नहीं पा रही। अजीब बात है, वैसे बुरा हुआ ये पेंट गीला था। अरे नहीं, मैंने तो ये साइन देखा ही नहीं। ये मेरे साथ क्यों हुआ? मैं उठ नहीं पा रही, मैं इससे चिपक गई हूँ। ये तो अक्सर होता रहता है। अब मैं क्या करूँ? रुको, मैंने पेंट इस्तेमाल किया था या ग्लू? उप्स, खैर छोड़ो, कुछ नहीं हो रहा, मैं यही रहूंगी। रुको, मैं मदद करती हूँ। मुझे लगा इससे कुछ होगा। और जोर से खींचो। चलो मेरे बेड से उठो। फिर बहुत मेहनत का काम था। मैं बहुत थक गई। मुझे मत कहो, देखो कैसा लग रहा है, और सच सच बताना, बुरा है ना? हाँ बिल्कुल। रुको, शायद मैं ठीक कर सकती हूँ। बस कुछ सामान चाहिए, ये मुझे दो। मुझे जीन्स बहुत पसंद थी। हाँ चलो काम पर लग जाए, भरोसा रखो। बस तुम्हारी जीन्स पर ये पेंट स्प्रे करेंगे। मैं बस स्टेंसिल्स इस्तेमाल करूंगी, बहुत अच्छा दिखने वाला है। बस थोड़ी सी लाइन्स यहाँ। ये यहाँ सही रहेगा। मुझे डिजाइनर बन जाना चाहिए। पीछे की तरफ से भी हो गया, अब आगे की बारी। इस कार्ड से ये पेंट आपकी स्किन पर नहीं लगेगा। तुम्हें मुझे इसके पैसे देने चाहिए। हाँ, बस थोड़ी सी और डिटेल्स। हाँ ये हो गया, तुम्हें कैसा लगा? वाह, ये तो लाजवाब है। विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पास कस्टम जीन्स है। तुम एक जीनियस हो, दोस्त इसीलिए तो होते हैं। हाँ चलो चलिए। मेरा पेंट कहाँ है? वो यहीं कहीं होना चाहिए। मैं इसे खो नहीं सकता। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। चलो शुरू करें। तो आ जाओ, इसे अभी ही खत्म करना होगा, ये मेरी है। देखो तुमने क्या कर दिया। हम इसका कुछ कर सकते हैं। अच्छा आइडिया है। वाह, कमाल का लग रहा है। ये लो, प्यारा है। वाह, एक डेनिम ड्रेस, बढ़िया है। तुम्हारी बारी मिया, शानदार। चलो जल्दी करो, कोशिश कर रही हूँ। स्किनी जीन्स पहनना इतना मुश्किल क्यों है? बस जरा रुको, ये देखना मुश्किल है। लगता है मैं समझ गई। नहीं बिल्कुल नहीं, दूसरा एंगल ट्राई करते हैं। तुम ये क्या कर रही हो? ज्यादा समय नहीं लगेगा, देखा टोज निकल आए हैं। बहुत मुश्किल था, अब दूसरी लात की बारी। ये ठीक नहीं हुआ। नहीं ठीक है, मैं ठीक कर सकती हूँ, कैची से। दूसरी लात पर बस सही जगह ढूंढनी है। अच्छा लग रहा है, अब डेनिम को बीच से कट करेंगे। लो कट गया।
मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने बराबर कर लेती हूँ। ये छोटी होती जा रही है। हाँ रुको, वो मुझे दो। ठीक है, सब कंट्रोल में था। हाँ हाँ बिल्कुल, बची हुई जीन्स को टेबल पर रखें। कैंची ले लें, एक लात पर एक डायगोनल लाइन काटें। अब ये शॉर्ट्स बन गए। ये रहे राइनस्टोन्स, इसे स्ट्रिप्स में काटेंगे। अब एक मजेदार हिस्सा, हम इन्हें और दिलचस्प बनाएंगे। अगले पार्ट के लिए हमें ग्लू गन चाहिए होगी। शॉर्ट्स के कोने पर बस थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे। अब इस पर राइनस्टोन्स लगा देंगे। पूरी शॉर्ट्स पर इस तरह ये लगाएंगे, वो भी अलग अलग लेंथ की। लो, हो गया, अच्छे लग रहे हैं। उम्मीद है मिया को ये पसंद आए। हाँ ये ट्राई करो। वाह लाजवाब। शुक्रिया बेटी, मैं तो अपना काम कर रही थी, तुम सबसे अच्छी हो। अच्छी लग रही हो, बस थोड़ा सा टचअप और मैं तैयार हो जाऊंगी। बेटी इस कमरे को तू देखो, क्या गड़बड़ है, बहुत गलत बात है, हर जगह मेकअप और कपड़े पड़े हैं। तुम्हें इसे साफ करना होगा यंग लेडी। ये इतना भी बुरा नहीं है, ये कैसा मजाक है, मैं तो इसमें ठीक है, मैं ही कर देती हूँ। ओह इसमें कुछ है, इससे मुझे एक आइडिया आया, शायद इससे ये साफ हो जाए। मैं पुरानी जीन्स इस्तेमाल करती हूँ, ट्राई कर देखते हैं, थोड़ी जगह बना लूं। अब देखते हैं इस बॉक्स में क्या है, बहुत सारी जीन्स है, चलो काम तो आएंगी। काम शुरू करते हैं। ये रही मेरी कैंची, पहले इस जीन से शुरू करेंगे, पीछे के पॉकेट्स काट लेंगे एकदम ध्यान से। और पॉकेट्स चाहिए होंगी। अब एक डेनिम का पीस लेते हैं, साइड्स पर ग्लू लगाएंगे। अब इस पर शू लेस लगा देंगे, दूसरी साइड भी कुछ ऐसा ही करेंगे। फालतू की लेस को नॉट में बांध देंगे। अब पॉकेट के पीछे ग्लू लगाएंगे, ज्यादा ग्लू की जरूरत नहीं है। इसे उल्टा करेंगे और डेनिम पर लगा देंगे। इसे अच्छे से दबाएं ताकि ये टिक जाए। बाकी के पॉकेट्स भी लगा देंगे। ये आखिरी थी और हो गया। अब इसे टांगने की जगह ढूंढते हैं। ये परफेक्ट है और सामान रखने के लिए भी सही है। तुमने सुना, सारा मेकअप यहाँ जाएगा। कितना ही मुश्किल था। वाह थैंक्स मॉम, अब घर में मचना चाहिए। मॉम नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। वाह ड्राइंग अच्छी है। ओह मैं मिया को प्रैंक कर सकती हूँ। एकदम आराम से, उसे अंदाजा भी नहीं है। ये क्या, तुमने ये कैसे किया? वाह मुझे देखने दो। हाँ मिया मैंने वो पहनी हुई थी। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, जीन्स पर और डिजाइन बनाते हैं। पहले एक नॉर्मल पेन से ड्राइंग को स्केच करेंगे। सही लग रहा है। अब इसके ऊपर मार्कर पेन चलाएंगे। अब कलर करेंगे, बस लाइंस के अंदर ही रहना है। बहुत अच्छे दिखने वाले हैं और क्रिएटिव होने का सही तरीका है। अब हम नीचे की तरफ भी कुछ बना सकते हैं। चलो एक प्यारा सा डॉग बनाएं। पहले इसका स्केच बनाएंगे, फिर इसमें कलर फिल करेंगे। ये काफी अनोखी जीन्स होगी। वाह अब बैक पॉकेट पर बनाते हैं। मुझे ये सब करना शुरू कर देना चाहिए, लगता है इतना काफी है। अरे वाह तुम्हें कैसा लगा? वाह समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, तुम बहुत टैलेंटेड हो। अब ये मेरी सबसे फेवरेट जीन्स है, बहुत मजेदार है। थैंक्स मिया। ओह वहीं रुक जाओ, ये लो।
सच में? ठीक है, इसके बदले कुछ दोगी? हाँ हाँ, मैं पार्टी पर जा रही हूँ। हे टेडीज, बस वहाँ पर प्यारे प्यारे लड़के हो। बेटी चलो खेलें। हटो यहाँ से, मैं फोन पर बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, वो जा रहा है। ओह, मुझे तुमसे प्यार है डैडीज। डैडी किस बारे में बात कर रही है? दिलचस्प है। हटो। तुम बुरी हो। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं फैशन डिजाइनर बन सकती हूँ। मेरे ये कपड़े बहुत बोरिंग है, मैं इन्हें स्टाइलिश बनाती हूँ। बस थोड़ा सा कट करना है। ओह हाँ, ये काफी बेहतर है। वो तो बहुत, रुको, वो मेरा है। ये क्या था? रुको। क्या? तुम बहुत बदतमीज हो। ये मुझे दो। ये खराब हो गया। पर मजा आया। रुको, शायद मुझे इसे फेंकना नहीं पड़ेगा। मैं इसे पहन सकती हूँ। पहले इसे फोल्ड करेंगे, अब बीच में कट लगाएंगे। इसे सीधा काटेंगे क्योंकि हमें इसके स्लीव्स और साइड्स काटनी है। अब और कट्स लगाएंगे, पर नेकलाइन के नीचे हम रुक जाएंगे। जब इसे खोलेंगे तो ये टैसल्ड होगा, तो इस तरह दिखेगा। अब इसे फैला देंगे। इस तरह दो टैसल्स लेकर इन्हें साथ में बांध देंगे। और अब बाकियों को भी, जैसे हम बालों को ब्रेड करते हैं, इस तरह नीचे तक नॉट्स बांधते जाएंगे। ये नेट जैसा दिखना चाहिए। वाह, मुझे ऐसे ही चाहिए था, पर मैं ऐसे पहन नहीं सकती। ये हुई ना बात। वाओ, कितना क्यूट लग रहा है। तुम अभी भी बोरिंग हो। मैं पार्टी के लिए तैयार हूँ। मैं उसका बैग भी ठीक कर देती हूँ। नहीं, मैं इस डेट का इंतजार कर रही थी। कब से इंतजार करवा रहा है, उसने मुझे पागल बना दिया। तुम कहाँ हो? ये मेरे साथ ही क्यों होता है? स्वादिष्ट मिल्क शेक। हाँ, क्या ये मिया है? मिया, हे, कैसी हो? तुमसे मिलकर अच्छा लगा, बहुत समय से नहीं मिले। ओह, मेरी स्कर्ट खराब हो गई। मैं डेट पर आई हूँ। क्या तुम? मैं कुछ करती हूँ, शांत हो जाओ। मैं एक स्पेयर अपने साथ रखती हूँ, ये कई बार होता है। मेरा टॉप तो ठीक है, मेरी स्कर्ट खराब हुई है। अरे ट्राई तो करो। हाँ हाँ पहनो। मैं क्यों कर रही हूँ, ये ठीक नहीं लग रहा। मैं कुछ करती हूँ, हमें स्क्रैप्स ठीक करनी होगी। इसका क्या मतलब है? अब हम इसे नीचे ले आएंगे और ये स्कर्ट बन जाएगी। दाग वाली निकाल दो, एक ब्रांड न्यू आउटफिट बन गई। उप्स, हे भगवान, तुम सबसे अच्छी हो। ओह, वो आने वाला होगा। गुड लक, उम्मीद तो है। ओह, मेरी ड्रिंक, शुक्रिया, मैं डाल दूं। ओह, कोई कॉल कर रहा है, जरा रुको। नहीं, दोबारा नहीं। ओह, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुद्धू हूँ। ओह रुको, मेरे पास एक आइडिया है। हम ये स्कार्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्राई करके देखो। सांप को इस तरह लपेट कर कोनों को पकड़ेंगे। अब इसे रिंग से निकाल लेंगे और रिंग को बिल्कुल यहाँ ले आएंगे। ये कसकर बन चुकी है। अब कोनों को नेक पर बांध लेंगे इस तरह। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ये तुम पर जच रहा है। मुझे शांति मिली, प्लीज आओ बैठो, दोबारा ट्राई करते हैं। माफ करना, इस बार मैं थोड़ी नर्वस हूँ। तुम आ ही गए। माफ करना, मैं लेट हूँ, ये तुम्हारे लिए। उप्स, ये गलती से हुआ है। ओह नहीं नहीं, तो हम दोबारा नहीं मिलेंगे। बेटी, अब मेरे पास पैर टॉप्स नहीं है। बहुत हुआ, अब मैं सिंगल ही रहूंगी। ओह, मुझे बहुत पसंद है, काश मैं चॉकलेट पर जी पाती। ओह, आइसक्रीम भी। हाँ बिल्कुल। वाह, एक इंसान के लिए इतना जंक फूड। तुम क्या कर रही हो, इतना ज्यादा मीठा।
अगर तुम ऐसे ही खाती रहोगी तो तुम लंबे समय तक ऐसी नहीं दिखोगी। शायद तुम ठीक हो, क्या इतना बुरा हो जाएगा? हाँ, आखिरकार मुझे चॉकलेट मिल ही गई। ओह, मैं नहीं चाहती मेरे साथ ऐसा हो। नहीं, मुझे एक्सरसाइज करना भी शुरू कर देना चाहिए। अब और स्वेट पैंट्स नहीं, यही कहीं वर्कआउट के कपड़े भी होंगे। बस यही पैर मिला है। खैर, इनमें क्या परेशानी है? जरा इन्हें देखो, ये नहीं चलेंगे। देखो, तुम इसके साथ कुछ ऐसा जरूर बना पाओगी। ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैं पहले इन्हें सीधा करके रखूंगी और अब मुझे कैंची चाहिए। इन्हें छोटा करने के लिए काट दे। ध्यान रहे कि ये कट बिल्कुल सीधा हो। बिल्कुल इस तरह, और दोनों लातों पर। परफेक्ट, ये ट्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वाह, ये तो बहुत अच्छे से फिट आ गया, बहुत प्यारा है। अच्छा किया, ये बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया, चलो जॉगिंग पर चले। मैंने लेसेस बांध लिए। ये कम और नहीं खानी, मैं इसे यहीं रख देती हूँ। ओह, कोई टेक्स्ट कर रहा है। हे मेरे भगवान, ये वर्कआउट बहुत मुश्किल था। रुको, नहीं, मैंने तुम्हें बोला था कि रुक जाओ, तुम सुनते क्यों नहीं हो? परेशानी क्या है? ये क्या है, तुम्हें क्या हुआ है? क्या ये गम है? क्या मैं गम के ऊपर बैठ गई? तुम अपनी गम हमेशा इधर उधर क्यों फैला कर रखती हो? अब मैं इन पैंट्स का क्या करूं? अब तुम ही से ठीक करो। ठीक है, पर मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे ठीक करूं। आज के दिन में कर देना प्लीज। ये बहुत बुरा है, तुम ये कैसे कर सकती हो? कुछ तो होगा। एक सेकंड रुको, मेरे पास कैंची है। बिल्कुल नहीं, मुझे अपनी पैंट्स में छेद नहीं चाहिए। सुनो, मुझ पर भरोसा करो। मुझे पता है थोड़ा सा अलग है, पर ये जरूर काम करेगा, प्रॉमिस। मैं बस तुम्हारी पैंट को थोड़ा कट करूंगी और हो गया। और जिस पर गम लगा था वो हटा देंगे। हाँ, जैसे मैंने सोचा था, हो गया। ट्राई करो। ठीक है। अरे मैं इनका क्या करूँ? शांत रहो और जरा घूमना प्लीज। अब इसे टफ कर लो। हाँ, ये प्यारा तो है। पर मेरे पास पैंट्स नहीं है। ये लो, तुम मेरी जीन्स पहन लो। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। फिर शुक्र है ये काम किया। ठीक है, हाँ तुम जा सकते हो। ओह, लगता है यहाँ पर लाइन लगी है। बस ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। ये लाइन तो चल रही है। वाह, बहुत अच्छे। जाइए जाइए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या? खैर जो भी है, मैं जाना भी नहीं चाहती थी। लोगों को अंदर जाने के लिए अच्छे कपड़े पहनना सीखना चाहिए। जैसे कि वो बहुत अच्छा लग रहा है, वो सूट इतना बोरिंग है। रुको, शायद ये चल जाए। मैंने कहा नहीं। अंदर जाने के लिए कोई तो रास्ता होगा। बाल खोलो, और कोई चश्मे नहीं, और चलो। तुम फिर आ गई। नहीं नहीं नहीं, हे भगवान, ये उसे समझ ही नहीं आ रहा। ये ठीक नहीं है, वो बहुत बुरा है। अगर मैं कैंची इस्तेमाल करूं तो क्या ये काम करेगा? रुको, शायद ये काम करेगा। माफ करना बैग, मुझे तुम्हें काटना होगा। तो चलो, बॉटम तो हटा दिया। अब अगला स्टेप, इसे टैंक टॉप की तरह पहनो। मुझे इस लुक को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए कुछ चाहिए। मेरी हूप इयररिंग काम करेंगे। परफेक्ट, अब मैं अंदर जा सकती हूँ। वो खैर तो ठीक है, तुम जा सकती हो। हाँ, मुझे पता था ये काम करेगा। बस एक बार लॉकर देख लूं। हाँ, वो बहुत प्यारा है।
बाय बाय, मैं बाद में मिलती हूँ क्यूटी। हे भगवान, वो यहाँ है। हाय, उसने मुझे देखा भी नहीं, ये बहुत बुरा है। ओ, क्या वो रो रही है? हाँ, शायद मैं उसके लिए कुछ कर पाऊँ। मुझे पता है वो जेरेड को बहुत पसंद करती है। पता है, मैं उससे बात करती हूँ। हे, क्या तुम जेरेड की वजह से रो रही हो? देखो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। हाँ, मेरा बैंगल लो और जो मैं कहूँ वही करो। हाँ, मैं कर सकती हूँ। ओह, काश ही काम कर जाए। हाँ, सबसे पहले मुझे अपनी शर्ट उतारनी होगी और अब इसे उल्टा करके पहनना होगा। हाँ, हो गया। और अब बैंगल, ये बार थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। मैं दो हिस्से पीछे लेकर गई और उसमें से निकाल दिया और अब मुझे इन्हें खींचना है जब तक ये अच्छे से टाइट ना हो जाए। और अब ये बटन लगा देने हैं, बस इन्हें अंदर को फोल्ड करना है ताकि ये दिखे नहीं। अब बस ग्लासेस उतारो और बाल खोल लो। ठीक है, शायद मैं अपनी नई लुक दिखाने के लिए तैयार हूँ। वो ये कौन है? वो लाजवाब है। हे, मैं तुम्हारे लिए ये बेयर लाया क्योंकि मुझे पता है तुम्हें बेयर्स पसंद है। क्या, ये लड़के आए कहाँ से हैं? हाँ ठीक है, समझ गई। ओह वाह, मैं बहुत थकी हुई हूँ। रुको, ये क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये पार्टी बिल्कुल मिस नहीं कर सकती। पर मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, शांत हो जाओ और जरा सोचो। मैं एक ही समय पर अपने दोनों हाथों से मेकअप कर सकती हूँ, इससे मेरा थोड़ा समय तो बचेगा। ओह, इन एयररिंग्स से मुझे हमेशा बहुत दर्द होती है। ओह, मैंने ब्रश तोड़ दिया। और अब ये किलर रेड हील्स। हाँ, सही चॉइस है, पर मैं कपड़ों का क्या करूँ? बहुत फैंसी है, बहुत कैजुअल है। ओह, ये बिल्कुल सही रहेगा। हाँ, ये आउटफिट एकदम जचेगा। हे, तुम चलने के लिए तैयार हो? ओ नहीं, तुमने मेरी जैसी ड्रेस पहनी हुई है। ओ नहीं, अब मैं क्या करूं? हम इस तरह तो बाहर नहीं जा सकते। ओ, यहीं रुक जाओ, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। मुझे पता है अपनी ड्रेस को कैसे अलग दिखाना है। मैं स्क्रैप्स को क्रिस क्रॉस कर दूंगी इस तरह। और अब मुझे कैंची का इस्तेमाल करना होगा। मैं दोनों तरफ स्लिट्स काट दूंगी। परफेक्ट, वाह, ये तो अलग ही लगने लगी। तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। हे, ओ वाह, आज वो कितनी अच्छी लग रही है और मैं इतनी अच्छी नहीं लग रही। अरे नहीं, वो खुद को इतना कोस क्यों रही है? हे, मैं जानती हूँ ये कैसे खुश होगी। ये कैंची ही काम आएगी। तुम इसके साथ क्या करोगी? तुम मुझे इससे डरा रही हो? नहीं। हाँ, रुक जाओ, मुझे बस कुछ कट्स लगाने हैं। बस इस स्टिच लाइन को फॉलो करेंगे। हाँ, मैं एक जीनियस हूँ। अब बस तुम्हारी स्लीव्स निकालनी है। वाह, क्या बात है, पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। ओह, मेरे ग्लासेस। ठीक है, मैं ये उतार देती हूँ, इससे क्या ही फर्क पड़ता है ना? और इस होल को और स्ट्रेच कर लेंगे। लो, ठीक है, ये रहा जूस जैसा मैंने कहा था कि मैं लाऊंगी। और ये रहे कप्स, पर सिर्फ यही नहीं। ओह नहीं, मैं चॉकलेट भी लेकर आई हूँ। हे भगवान, ये तो मेरे फेवरेट है। मेरे भी, चलो इसे अभी खोले। देखो ये कितनी स्वादिष्ट लग रही है, इसे ब्रेड के पूरे पीस पर लगा लूं। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए मुझे नैपकिन चाहिए होगा। ये तो बहुत अच्छा है, थैंक यू। हाँ हाँ बिल्कुल, फ्रेंड्स इसीलिए तो होते हैं। अब मैं खुद भी खाऊंगी। ओह नहीं, ये तो मेरे कपड़ों पर गिर गया। ओह नहीं, रुको, ये नैपकिन ले लो, ये काम आएगा। बढ़िया, थैंक्स, बस ये इससे हट जाए। नहीं, ये तो मेरे कपड़े पर और फैल गया। अरे नहीं, मैं इसकी मदद कैसे करूं? रुको, मेरे बालों में रिबन्स है, यही तो इसका हल है। मैं अब इसका क्या करूंगी? भरोसा रखो। हाँ, अपना टैंक टॉप पकड़ो, अब इसे घुमा दो। हाँ, अब रिबन की बारी, इसे थ्रेड में से निकालेंगे इस तरह।
हाँ तुम इसके लिए तैयार हो? हम इसे तुम्हारी सह के ऊपर से निकालेंगे। बढ़िया। हाँ पर अभी ये पूरा नहीं हुआ, दोबारा रिबन चाहिए। इसे टॉप के अंदर से निकाल कर दूसरी साइड भी ऐसा ही करेंगे। ओह मैं समझ गई, अब मैं ये कर लेती हूँ, बस इसे बाप पर बांधना है। हे लेडीज, हम भी पिकनिक के लिए आए हैं। इतने से टाइम में आउटफिट बन गई। अरे यार तुम्हारा आउटफिट तो बहुत जबरदस्त है। चलो खाएं, बहुत सारे स्नैक्स हैं। देखते हैं। ओह वाह, ये आउटफिट तो बहुत प्यारी है, मुझे पसंद आई। ओह नहीं, ये बहुत महंगी है, मैं दोबारा चेक करती हूँ। हाँ मेरी जेब तो खाली है। और दूसरी वाली? अरे नहीं बस $1 है। ठीक है तो मुझे खुद करना होगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये वाला तो बिल्कुल नहीं। ओह हाँ यही, मुझे यही तो चाहिए। ओह चलो भी, ये होल कहाँ से आया? ये कैसा मजाक है? रुको मैं जानती हूँ क्या करना है। जी हाँ, ये रही मेरी पैंट्स और ये रही कैंची। चलो अब काटना शुरू करें। पहले यहाँ से शुरू करेंगे, इसे बिल्कुल अच्छे से काटने के लिए ध्यान रखना होगा। बढ़िया, और अब इसे इस तरह से काटेंगे। ये रहा होल और इसे भी काट देंगे। लो मैंने होल वाली पैंट्स का एक प्यारा सा टॉप बना दिया। मैं जीनियस हूँ, मुझे इसकी सेल्फी लेनी चाहिए। आज का मौसम भी बहुत जबरदस्त है। हेलो मिस, ये हमारा आज का मेन्यू है। थैंक्स। हे मेरे भगवान, वो पर अकेला बैठा हुआ है, वो देख रहा है। मैं जरा उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती हूँ। ये क्या, उसे क्या हो गया है? उसे तो फ्लर्ट करना भी नहीं आता। ओह जरा उसे देखो, उसके बाल कितने सुंदर लग रहे हैं, वो कितनी प्यारी है। क्या तो वो उसमें इंटरेस्टेड है? क्या नहीं होगा, ये मेरा अभी तक का सबसे अच्छा केक है। ओह लगता है मुझे ऑर्डर लेने जाना होगा, तो मैं चली। हेलो सर, मैं आपके लिए क्या ला सकती हूँ? वो पूरा ही रेड पहना है, ये मेरा फेवरेट कलर है। ओह बहुत अच्छी बात है, मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊँ? ओह बिल्कुल, मैं ये लूंगा प्लीज। रुको, क्या उसने कहा कि उसे रेड कलर पसंद है? पर मेरे पास तो कुछ भी रेड नहीं है, ना कपड़े ना बाल, ये तो गलत बात है, मुझे कौन बताएगा। और उसका सारा ध्यान इस पर है क्योंकि इसने रेड एप्रन पहना है। उस लड़के ने मुझसे फ्लर्ट की तो ये मुझसे चिड़ी हुई है। खैर जो भी हो, ये रहा आपका ऑर्डर, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये कैसे हो सकता है, बहुत गलत है, मुझे गुस्सा आ रहा है। सर ये रहा आपका ऑर्डर, ये लीजिए। हाँ कितना बढ़िया लग रहा है, ये सारी वेजेस मेरी फेवरेट है। बॉन एपेटिट। वो अब क्या कर रहा है, खाना भी लाल ही खाएगा। ओ नहीं, एक और लड़की, और उसने भी रेड पहना है, और उसे वो सुंदर भी लगेगी क्योंकि उसने रेड पहना है। एक सेकंड रुको, अगर मैं या फिर हे भगवान, मैं जानती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। देखते हैं मुझे यहाँ क्या करना है। ओह बिल्कुल, मेरा रेड अम्ब्रेला, मैं इसे खोल लेती हूँ। अब इस अम्ब्रेला को हम स्कर्ट बना देंगे, मुझे इसकी शेप बहुत पसंद है और इसका कलर भी। वो मेरी तरफ देख रहा है। हाय तुम कैसे हो? हे भगवान, मुझे उसे अभी के अभी ये फ्लावर देना होगा, ये रोज बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? हाँ ये क्या चीज है, कोई अम्ब्रेला है? मुझे समझ नहीं आ रहा इसका क्या करूँ। हे भगवान, बहुत नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं। आराम से सोने का बहुत मन है। ये मेरा फोन है, वो कहाँ है? ओह ये रहा। हाँ किसका कॉल है? हेलो। हे गर्ल, मैं एक पार्टी पर आई हुई हूँ। oh, बहुत no. बढ़िया है, तुम्हें मेरे साथ यहाँ आना चाहिए, हम सब चाहते हैं कि तुम आओ। मैं बहुत थकी हुई हूँ। रुको, हे भगवान आज क्या डेट है, क्या मैं भूल गई? नहीं आज ही तो वो पार्टी का डे है, मैं भूल गई। मुझे क्या पहनना चाहिए? ओह ये ठीक रहेगा। हाँ जल्दी से शीशे में देख लेती हूँ। हे पेनी, मैं आ ही गई। हाय एवरीवन, सॉरी मैं लेट हो गई। ये तुमने पहना क्या हुआ है? तो पार्टीज में ऐसे आती है, इसकी मर्जी है शायद। यॉइक्स। नहीं मैं इस कैमरे से इसकी फोटो नहीं खींचूंगी। हाँ मुझे माफ करना पर तुम अच्छी नहीं लग रही, ये कुछ ज्यादा क्यूट है, तुम्हें कुछ और पहनना चाहिए। ये कैसे हो सकता है, मैंने इतनी बड़ी गलती की, अब मैं इसे ठीक कैसे करूं? नहीं ये पोज काम नहीं आएंगी, ये बेबी क्यूट सी ही है, मैं और ये हेडबैंड्स नहीं पहनूंगी। ओह रुको, मेरे पास ये दो क्लिप्स है। हाँ मैं इससे काम चला सकती हूँ, ब्रेड्स खोल लेते हैं। ये लो, बाल खुल गए।
अब काम शुरू करते हैं। हाँ, क्लिप को लगाएंगे। ये देखो, बस अपने बालों को खींचकर इस तरह क्लिप लगा देंगे। अब बालों को घुमाकर दोबारा क्लिप लगाएंगे। ये देखो, अब बस बालों को इस तरह फैलाएंगे। अब इसे बॉबी पिन से अच्छे से टिका देंगे। अब ये बन चुका है और टिक भी गया। बढ़िया, दूसरी साइड पर भी सेम ऐसा ही करेंगे और हो गया। अब मुझे हेडबैंड ईयर्स नहीं पहनने पड़ेंगे। हे पेनी, मैं वापस आ गई। हे भगवान, मुझे तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये तो कमाल है, तुमने इतनी आसानी से कैसे किया। वो अब इसे देखो, इसके बाल अब काफी बेहतर है। अब मुझे पिक्चर लेनी ही होगी। हाँ, हमारी पिक्चर लो, हम अच्छे लग रहे हैं। आपके हिसाब से अमीर होना आसान है या गरीब होना आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।